दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर आज दुनिया में हर देश काफी उच्च स्तर की पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश 20 सालों तक अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के बाद आज तालिबान पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान में इतने सालों से किए गए अपने कई मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए नए रास्तों को तलाश कर रहा है, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अफगानिस्तान की आम जनता की भी मदद कर सके। आज ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में से एक है जो सच में अफगानिस्तान के लोगों की परवाह करता है और उनकी मदद के लिए हम हर मौके पर खड़े रहे। चाहे अफगानिस्तान में ऊर्जा का संकट हो या फिर खाद्य पदार्थों का, भारत जितनी मदद कर सकता था हमने अफगानिस्तान की उतनी मदद की। और अब इसी की कड़ी में भारत एक काफी बड़ा फैसला ले चुका है, जिसके तहत न कि सिर्फ हम अपने एक बड़े रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वेरीफाई करेंगे, बल्कि अफगानिस्तान की एक बड़ी मदद भी करेंगे। दरअसल दोस्तों, इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के बाद अब भारत ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। भारत ने ये बात खुलकर कही है कि हम अफगानिस्तान की मदद के लिए 20,000 मैट्रिक टन गेहूं चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को सप्लाई करेंगे, ताकि अफगानिस्तान में भुखमरी के हालातों को काबू किया जा सके और आम अफगानी नागरिकों तक अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थों की सप्लाई बड़े स्तर पर की जाए, जिससे अफगानिस्तान की स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। अफगानिस्तान पर बनाई गई भारत और सेंट्रल एशियन देशों की ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के 5 देश भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर काफी बड़े फैसले कर सकते हैं। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती है तो इससे सेंट्रल एशियन देशों के साथ भारत को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में हम ये बात देख सकते हैं कि कैसे सेंट्रल एशियाई देश भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यहां पर ये बात तो महत्व रखती ही है कि भारत अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं सप्लाई करने वाला है, वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इस गेहूं को पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक सप्लाई करेगा, जिसे भारत ने इसीलिए बनाया था ताकि हम ईरान के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियाई देशों तक अपनी पहुंच बना सके, जिसके बाद हम आगे रूस और यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत कर सकेंगे। ऐसे में जब भारत इस गेहूं की सप्लाई सफलतापूर्वक अफगानिस्तान तक कर देगा, तब हम चाबहार बंदरगाह को भी पूरी तरह से वेरीफाई कर पाएंगे और इससे भारत को इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि भविष्य में चाबहार बंदरगाह सेंट्रल एशियाई देशों और यूरोप तक व्यापार करने के लिए भारत का एक अच्छा ट्रेड रूट बन सकता है, जो कि हमें रूस से भी काफी अच्छी तरह से कनेक्ट कर देगा और हम सुरक्षा पूर्वक अपने व्यापार कर सकेंगे। इसके बाद हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन देशों तक पहुंचकर व्यापार करने के लिए पाकिस्तान की कोई भी जरूरत नहीं होगी, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा कूटनीतिक एडवांटेज होगा। ऐसे में अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और सेंट्रल एशियाई देशों के समर्थन मिलने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा अच्छी तरह से अपनी लड़ाई लड़ सकेगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आतंकवाद के बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा है, जो फिलहाल दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहता। मतलब हम अफगानिस्तान की मदद करते हुए अपनी सुरक्षा को भी गारंटी कर रहे हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भी अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत जहां एक तरफ भारत कई हजार मैट्रिक टन गेहूं की सप्लाई करते हुए अफगानिस्तान की आम जनता की मदद कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सामने आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में डिबेट शुरू कर दी, क्योंकि इससे भारत पर कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो भारत को अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका द्वारा अपनाई गई पॉलिसी से काफी अलग बनाते हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से सामने आए एक डॉक्यूमेंट में इस बात का पता चला है कि भारत ने अफगानिस्तान की सरकार के बजाय अफगानिस्तान में मौजूद वॉरलॉर्ड्स को फंडिंग देना ज्यादा पसंद किया, ताकि वह तालिबान और दूसरे खतरों के खिलाफ एक रेजिस्टेंस बना सके। अगर देखा जाए तो भारत के ऐसा करने के पीछे कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि अफगानिस्तान की सरकार को फंडिंग न देने की वजह से न तो आज तालिबान भारत के खिलाफ है और ना ही अफगानिस्तान में मौजूद सिपा सलार यानी वॉरलॉर्ड्स। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद ये बात एक तरह से साबित हो चुकी है कि भारत की पॉलिसी हमेशा से ही अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका से 2 कदम आगे की रही है, जिसके तहत जहां एक तरफ 20 सालों की लड़ाई लड़ने के बावजूद अमेरिका को सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान से भागना पड़ा, वहीं पर दूसरी तरफ भारत बिना एक भी सैनिक अफगानिस्तान में भेजे अपने लगभग सभी जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हासिल कर रहा है, वह भी तालिबान की सरकार रहते हुए, जो भारतीय विदेश नीति की एक काफी बड़ी जीत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भारत अफगानिस्तान की लगातार इस तरह से मदद कर रहा है, क्या वह सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।